Saga, फूल और चंद्रमा की तरह चंचल चमकती और मदहोश कर देने वाली मतवाली प्रेम कहानी है चंद्रकांता, एक इंतकामी बहती प्रेम कहानी है चंद्रकांता, सुलगती हैरत अंगेज प्रेम कहानी है ये चंद्र। ये दास्तान विजयगढ़ की है। ये दास्तान दो रियासतों की है जो आज एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। नौगढ़ के महाराज सुरेंद्र सिंह और विजयगढ़ के महाराज जय सिंह के दो मजबूत खेमे बन चुके हैं। नतीजा, वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता की मोहब्बत इन हालात का शिकार बन जाती है। दुश्मनी के इन खेमों में पहला खेमा है नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह का, बहादुरी और खुददारी की जीती जाती मिसाल। ये है अय्यारों के अय्यार जांबाज, हिम्मत और फौलादी ताकत की मिसाल जांबाज। जांबाज की हर सांस है वीरेंद्र सिंह की दोस्ती का कुर्बान। तेज सिंह वीरेंद्र सिंह का दोस्त है जो चालाक, चतुर, चमत्कारी और अजूबों का सबसे बड़ा जानकार अय्यार है। इस मजबूत खेमे के खिलाफ खड़ा है दूसरा खेमा जिसका सरताज है क्रूर सिंह, विजयगढ़ के दीवान कुपत सिंह का बेटा, जो चंद्रकांता को हासिल करने के अलावा विजयगढ़ के ताज को भी अपने सर पर देखना चाहता है। क्रूर सिंह है। क्रूर सिंह के साथी हैं नाजिम, अहमद और आमिर, होशियार और मक्कार अय्यार। क्रूर सिंह का दाहिना बाजू है एक खौफनाक दरिंदा शैतान सिंह। एक तरह से कहीं तो तीसरा खेमा भी है राजकुमारी चंद्रकांता का, जिसमें बेहद चतुर, शोख और हिम्मत पर अय्यारिनियां हैं चांदनी, बहार, बरखा, चपला और केतकी। चंद्रकांता को वीरेंद्र सिंह पर पूरा विश्वास है। वो जानती है कि वीरेंद्र सिंह खूनी नहीं है और वो उसकी मोहब्बत में दिन रात गमगीन और उदास है। एक बरस ऐसे ही बीत जाता है। चांदनी से चंद्रकांता की ये हालत देख नहीं जाती। वो कई महीनों तक कंचन को तालीम देती है कि कंचन चंद्रकांता का पैगाम लेकर नौगढ़ की सरहदों में दाखिल हो सके। आखिर वो अपने मकसद में कामयाब होती है। मोहब्बत भरे इस खत को पाकर राजकुमार वीरेंद्र सिंह के दिल में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। कब से रुका हुआ मोहब्बत का दरिया एक सैलाब बनकर फूट निकला और वो सर पर कफन बांधकर एक बदहवास आंधी की तरह विजयगढ़ की तरफ चल निकला। उसके हाथ में तलवार थी और जुबान पर बस एक ही नाम, चंद्रकांता। ये नौगढ़ की सरहद है जहां जर्रे जर्रे पर दुश्मन का खतरा है। विजयगढ़ के महाराज जय सिंह दुश्मनी के कारण ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर राजकुमार वीरेंद्र सिंह विजयगढ़ की सरहद में दिखाई भी दिए तो नौगढ़ राज्य की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। लेकिन नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह किसी ऐलान, किसी फरमान की परवाह न करते हुए अपने अंगरक्षकों के साथ राजकुमारी से मिलने की ख्वाहिश लिए बेखौफ बढ़ते गए। राजकुमार विजयगढ़ की सरहद में काफी दूर तक दाखिल तो हो गया। चंद्रकांता दिल के पास होते हुए भी अब भी कितनी दूर थी। चंद्रकांता, ये आवाज सुनते ही राजकुमार वीरेंद्र सिंह के जिगरी दोस्त जांबाज का बांज रुस्तम उनकी खैरियत और निगरानी के ख्याल से उनका फौरन पीछा करता है।
हिम्मत मत हारना साथियों, आगे बढ़ते चलो। हिम्मत मत हारना, आगे बढ़ो। उठो मेरे साथियों, यह हमारी अग्नि परीक्षा है। उठो, आओ मेरे साथ, आगे बढ़ो। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, नौगढ़ विजयगढ़ में थी सपरा, नौगढ़ कथा जो राजकुमार, चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। वीरेंद्र विक्रम सिंह, जिसकी मौत जहां लिखी होती है वो वहीं खींच कर चला आता है। नौगढ़ और विजयगढ़ की सरहद पर तेरे यमराज, तेरे महाकाल क्रूर सिंह का ये भाई जालिम सिंह, बारूद के विस्फोटों और आग के शोलों से तेरा स्वागत करता है। लगता है स्वागत की रस्म तुझे मालूम नहीं जालिम सिंह, स्वागत बारूद की विस्फोटों और आग की लपटों के पीछे छिपकर नहीं, सामने आकर तलवार से तलवार का सामना करके किया जाता है। अरे ओ अंधे आशिक, अगर तू चंद्रकांता की मोहब्बत के सागर में बहेगा तो इसकी लहरें तुझे मौत के घाट तक बहा ले आएंगी। हाँ वीरेंद्र विक्रम, आज तू जिंदा वापस नहीं जाएगा। देख अपने चारों तरफ, देख कैसे मौत का साया तेरे सर पर मंडरा रहा है। अब सवाल है उनकी क्या बात, गए हैं वो अकेले। रुस्तम पुकारे तुझे बार बार, उठ जा जाबाज, उठ जा तू जाबाज, उठ जा जाबाज। हाँ
कुंवर कहाँ है? कहाँ है कुंवर? बोलो रुस्तम, बोलो रुस्तम। क्या तुझे घर की तरफ सड़क के पार कुंवर पर हमला? तुम सब ने कुंवर को जाने क्यों दिया? आप क्रूर सिंह के हमले से पहले ही घायल थे और दवा के असर से सो रहे। अगर आपको मालूम होता तो या तो आप कुंवर को जाने ही नहीं देते या फिर आप खुद चलने की जिद करते। इसलिए कुंवर का यह आदेश था कि आपको कुछ ना बताया जाए। कुंवर ने हुक्म दिया और तुम सब ने मुझे नहीं बताया। आप जा कहाँ रहे हैं? अपने कुंवर के पास। आप ना जाएं। आपके तो पहले ही बहुत खून बह चुका है। खुदा गवाह है हकीम साहब, ये जाबाज का खारिज वफादार खून है जो नौगढ़ की सरहद पर सबसे ज्यादा छिड़का हुआ है। कई जंग की आग मैं इस खून को बहाकर बुझा चुका हूं, लेकिन अभी भी मेरे रगों में काफी खून बाकी है। इससे पहले कि मेरे प्यारे कुंवर के एक खून का कतरा भी किसी जंग की जमीन को नसीब हो, मैं उस जमीन पर खून का दरिया बहा दूंगा। कसम है मुझे मेरे पाक परवरदिगार की। हट जाओ। वीरेंद्र विक्रम सिंह, क्रूर सिंह की विसात से तेरे सारे मोहरे ध्वस्त हो गए। वीरेंद्र विक्रम, अब तू अकेला रह गया है साहब के घेरे में। अकेला रह गया है वीरेंद्र विक्रम, अब तू अकेला रह गया है। नहीं कुमार, आप अकेले नहीं, अकेले नहीं, अकेले नहीं, मैं जिंदा हूँ। इस जिस्म का एक एक कचरा आपके नाम। चल, कुंवर खतरे में है, चल। तेरी मौत से पहले मैं तुझे एक राज की बात बताता हूँ। विजयगढ़ के महाराजा जयसिंह का बेटा और चंद्रकांता का भाई शक्ति सिंह, जिसके कत्ल का इल्जाम तू अपने सर पर लिए घूम रहा है, वो कत्ल मैंने अपने ही इन हाथों से किया था। तेरी आंखों के शोले ये कह रहे हैं वीरेंद्र विक्रम कि तू ये दास्तान सुनने के बाद मुझ तक पहुंचने के लिए बेताब है, लेकिन आज तू मुझ तक जिंदा नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हमारे बीच जो जमीन है उसके जर्रे जर्रे में बारूद छिपा हुआ है और ये आग की लपटें तेरी मौत का इंतजार कर रही है। वीरेंद्र विक्रम, तू मुझ तक पहुंच सकता है तो पहुंच। सॉलम सिंह, जिस तरह धरती फटने से पहले जमीन की तहें किसी जलजले से दहलने लगती है, वही कैफियत इस वक्त मेरे सीने में तेरे लिए नफरत की है। तूने ये दास्तान सुनाकर अपनी तकदीर पर मोहर लगा ली है सॉलम सिंह। अब तेरे आग और धुएं के ये अंबार, तेरे बारूद की ये खाने, तेरी ये फौजें, तेरी तलवारें, दुनिया की कोई ताकत वीरेंद्र सिंह के सीने में उठते हुए तूफान को नहीं रोक सकती। मैं आ रहा हूं जालिम सिंह, मैं आ रहा हूं। अपने आप को बचा सकता है तो बचा। या आक्रमण सिंह।
सिंह रुक रुक जा जोश रुक आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुंवर के अंग रक्षकों की लाशें ये सब कैसे हो गया कहीं कुंवर दुश्मनों की साजिशी चक्रवों के गिरफ्त में तो नहीं 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 अब तुम जाबाज से नहीं बच सकते शैतान सिंह सिंह जैसे ये खाल की धज्जियां उड़ाता है ये शैतान सिंह का कोड़ा है और अब ये तेरे जिस्म की खाल उधेड़ने के लिए मचल रहा है रहम कीजिए शैतान सिंह जी रहम सरकार क्रूर सिंह की अदालत में रहम का दस्तूर नहीं अहमद हाँ एक खुशी की बात थी क्या आज जालिम सिंह जी खुद वहां गए हैं और किसी भी लम्हे उसका कटा हुआ सर अपने नेजे के ऊपर लेकर यहाँ पहुंच सकते हैं अरे कहने दीजिए शैतान सिंह जी इसके बदन पर कितने कोड़े पड़ चुके हैं उनकी गिनती 99 हो चुकी है ओ। और क्रूर सिंह की अदालत का दस्तूर है कि सौवा कोड़ा हुजूर खुद मारते हैं सरकार बच निकलने का ये लो इनाम अमीर खान ये सिपाही अकेले कैसे जालिम सिंह जी कहां है और वीरेंद्र विक्रम के सर की सौगात जो बुलाने वाले थे इसी से पूछिए वीरेंद्र सिंह बच निकले जालिम सिंह कहां है तो बोलता क्यों नहीं कहा है जालिम सिंह तो मारे गए Thank you.
हकीकत है या क्या कोई सपना? क्या कोई सपना तो नहीं?